नमस्कार दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं देवों की भूमि उत्तराखंड में बाबा श्री केदारनाथ के दर्शन करने। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, आगे मैं आपको इस यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगा और साथ ही बताऊंगा केदारनाथ मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों के बारे में। हमने ये यात्रा आरम एडवेंचर नाम के एक टूरिंग ग्रुप के साथ की और पहले हम भोपाल से रेल माध्यम से दिल्ली तक गए, उसके बाद दिल्ली से हमारा प्राइवेट व्हीकल लेके हमने आगे की यात्रा पूरी की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की खूबसूरत वादियों में बसा है बाबा केदारनाथ का यह मंदिर। इस मंदिर को भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर के रास्ते में पड़ते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश, जहां पर आप गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं और कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग का भी आनंद ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने की यात्रा धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का एक ऐसा मिश्रण है जो आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा। इस मार्ग पर जाते हुए आपको एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं जो कि आपको रोमांच से भर देते हैं। आप देख सकते हैं यह जो स्थान है इसे देवप्रयाग नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। केदारनाथ की यात्रा करने वाले यात्री मार्ग में पड़ने वाले इस संगम स्थल पर आकर स्नान करते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नीचे देवप्रयाग संगम स्थल की ओर। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं केदारनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ी सबसे प्रचलित पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी के बारे में। केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया था। समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ यह मंदिर 6 फीट के एक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। इस मंदिर के प्रांगण में नंदी भगवान की एक पत्थर की मूर्ति स्थित है और उस मूर्ति के जस्ट सामने यह मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के बीचों बीच स्थित है मंदिर का गर्भगृह, जिसमें पिरामिड आकार का एक शिवलिंग है जिसको हम बाबा केदारनाथ के रूप में पूजते हैं। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरुओं और भाइयों का वध करने के बाद पांडव अपने आप को अपराधी मानने लगे थे। महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर अगले कई वर्ष तक राज किया। आगे कहानी चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं इस होटल में हमने स्टे किया था और इसके बाद रात को 3:30 बजे हमने पैदल केदारनाथ के लिए यात्रा प्रारंभ की। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए वहाँ चलने वाले प्राइवेट व्हीकल हमें मिल जाते हैं जो कि 5 किलोमीटर हमें छोड़ते हैं। गौरीकुंड से आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है। सामने आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियां यहां लाइन से खड़ी होती हैं जो कि 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको गौरीकुंड तक छोड़ देती हैं।
तो यहाँ से हम इन गाड़ियों से जाएंगे और गौरीकुंड में पहुँच के आगे की यात्रा चालू करेंगे। आप देख सकते हैं यह गौरीकुंड है और इस कुंड की खास बात यह है, इतने ठंडे माहौल होने के बाद भी इस कुंड में आपको गर्म पानी मिलता है। आप वीडियो के माध्यम से देखते रहिएगा कि पैदल यात्रा करते वक्त हमें कितने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। चलिए तो वापस आते हैं हमारी केदारनाथ की कहानी की ओर। हस्तिनापुर पर इतने वर्ष राज करने के बाद भी जब पांडवों के मन को अंदर से शांति नहीं मिली तो वे इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए महर्षि वेद व्यास के पास पहुंचे। तो महर्षि वेद व्यास ने पांडवों की पूरी बात सुनने के पश्चात कहा कि आपको आपके पापों का पश्चाताप करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाना होगा। इसके बाद वेद व्यास जी की बात का पालन करते हुए पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का साम्राज्य सौंपा और वह भगवान शिव की खोज में निकल गए। यह स्थान जो आप देख रहे हैं इसे रामबाड़ा नाम से जाना जाता है। यह रामबाड़ा ग्राम 2013 की त्रासदी में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पांडव भगवान शिव की खोज करते हुए पहले काशी पहुंचे, उसके बाद गुप्त काशी पहुंचे। लोक मान्यताओं के अनुसार जब पांडव गुप्त काशी पहुंचे तो भगवान शिव ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से अपने आप को नंदी रूप में बदल लिया और गायों के एक झुंड में शामिल हो गए। काफी समय तक खोज करने के पश्चात भीम ने एक दिन भगवान शिव के नंदी रूप को पहचान लिया। पांडवों को पास आता देख भगवान शिव का नंदी रूप धरती में समाने लगा। भीम ने नंदी को धरती में समाने से रोकने के उद्देश्य से नंदी के पीर वाले हिस्से को पकड़कर रोकने की कोशिश। जैसे ही भीम ने नंदी के पीठ वाले हिस्से को पकड़ा तो वह पिरामिड आकार के एक शिवलिंग में बदल गया। उसी शिवलिंग की पूजा हम बाबा केदारनाथ धाम के रूप में करते हैं। जब शिवजी का नंदी रूप धरती में समा रहा था तो उनका मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में और नाभि मदमहेश्वर में प्रकट हुई, जिनको आज हम पंच केदार के रूप में पूजते हैं। आप देख सकते हैं यह है बाबा केदारनाथ धाम के शाम की आरती का दृश्य। यहाँ की आरती में शामिल होना अपने आप में एक अलौकिक अनुभव देता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो सुबह या शाम की कोई भी आरती आप अनुभव जरूर करें। एक दूसरी कहानी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में शंकराचार्य के द्वारा किया हुआ माना जाता है, परंतु जब इस मंदिर के पत्थरों का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया तो पता चला कि इस मंदिर की टाइमलाइन महाभारत काल से मिलती है। वीडियो में जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है यह वही पत्थर है जिसने 2013 की त्रासदी के समय बाबा केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। आज के समय इस मंदिर को भीमशिला नाम से जाना जाता है और लोग इस शिला की पूजा भी करते हैं। आप यहाँ पर आते हैं तो इस तरीके से टेंट में रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी या फिर आप होटल भी बुक कर सकते हैं। अगर आप पैदल यात्रा कर
केदारनाथ धाम आते हैं तो आपको ऊपर स्टे करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैदल यात्रा के दौरान थकावट काफ़ी हो जाती है। आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम की सुबह का बहुत ही मनमोहक दृश्य। सुबह जब सूरज की रोशनी इन बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटी पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ सोने से बने हुए हों। 13वीं से 17वीं सदी के बीच माउंटेन एरियाज बर्फ से ढक गए थे, इसे मिनी आइस एज नाम से जाना जाता है। उसी दौरान 400 वर्षों तक यह मंदिर भी बर्फ के अंदर दबा रहा और बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें इस मंदिर से आकर टकराई, उसके बाद भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ, इसलिए इस मंदिर को डिजास्टर प्रूफ माना जाता है। केदारनाथ मंदिर के पीछे कुछ दूरी पर यह शंकराचार्य की बहुत ही बड़ी और सुंदर मूर्ति बनी हुई है, जिसको जमीन से थोड़े नीचे बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में 500 मीटर की दूरी पर बना हुआ है भगवान शिव के रुद्र रूप यानी काल भैरव का मंदिर। काल भैरव का यह मंदिर केदारनाथ मंदिर से कुछ ऊंचाई पर एक खुले स्थान पर बना हुआ है। लोक मान्यताओं की माने तो जब केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं उस समय खुद काल भैरव केदारनाथ धाम की रक्षा करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि काल भैरव के दर्शन किए बिना केदारनाथ धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। काल भैरव के इस मंदिर से केदारनाथ धाम का इतना खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है कि आपको यहां से वापस जाने का मन नहीं होगा। केदारनाथ धाम पहुंचने के मार्ग में एक मंदिर और पड़ता है जिसे लोग धारी देवी का मंदिर कहते हैं। लोगों का मानना है कि 2013 की त्रासदी धारी देवी को उनके मुख्य स्थान से हटाने के कारण आई थी। आप देख सकते हैं यह सोनप्रयाग में रात्रि 3:30 बजे का दृश्य है। 15 जून 2013 में मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाया गया था क्योंकि मंदाकिनी नदी पर एक बांध का काम लगा हुआ था, जिसके बाद 16 जून 2013 को हमने केदारनाथ में महात्रासदी देखी। उसके 9 साल बाद 2021 में मां धारी देवी को उस पहाड़ के साथ उनके मूल स्थान पर मंदिर बनाकर स्थापित किया गया। यह आप देख सकते हैं हरिद्वार में प्रातः काल की गंगा आरती का दृश्य। अगर आप यहां पर आते हैं तो गंगा आरती में शामिल होना ना भूलें, क्योंकि इस आरती का अनुभव काफी अलग होता है। हम केदारनाथ से वापस आते समय हरिद्वार और ऋषिकेश में रुके। ऋषिकेश में हमने रिवर राफ्टिंग भी की, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो वह देख सकते हैं। तो ये थी हमारी केदारनाथ की जर्नी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। या अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।